बार दीपेंद्र आ रहा है उसकी भी बहुत बड़ा दुख है। अच्छा जी, हिन्दू 35,000 वोट गिरा जी चुनी पिछली बार, एक घंटे टिकट मिल जाए कांग्रेस से तो क्लियर जीत है। समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में, और इस समय हरियाणा में राजनीतिक बयार बैठ रही है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और हरियाणा के लोगों का मन टटोलने के लिए आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव आसोदा टोडरान में। जी हाँ, बड़ा ऐतिहासिक गांव है, दादा बूढ़े की यहाँ पर कृपा बरसती है। हर साल लाखों रुपए के इनामी कुश्ती दंगल यहाँ कराए जाते हैं और प्रसिद्ध है यह आसोदा गाँव। बहादुरगढ़ में किस पार्टी की हवा है? जी राजेश जून जी की अगर टिकट पक्की हो जाती है कांग्रेस की तरफ से तो वो बढ़िया टक्कर देंगे बीजेपी का कोई भी विधायक हो सकता है, इनकी कट जाए स्टैंडिंग है मिलने जी जी, फिर भी बढ़िया टक्कर देंगे वो। हम मतलब विरोध तो चल ही रहा है, आपके वर्तमान विधायक का विरोध चल रहा है, जैसे विजेंद्र दलाल है या युद्धवीर चेयरमैन है, ये लोग टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि भाजपा की टिकट कटती है और राजेश जून को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो आपके अनुसार क्या रहेगा? राजेश जून ज्यादा, राजेश जून जीत जाएंगे। अच्छा भाई साहब, टिकट के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? राजेश जून टिकट ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, अगली बार क्योंकि हुड्डा साहब के साथ बढ़िया संबंध है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने दीपेंद्र के लिए बढ़िया काम किया था, दीपेंद्र जी का अच्छा साथ दिया था हमारे पूरे ब्लॉक में और राजेश जी का भी साथ। अच्छा भाई साहब, लोकसभा चुनाव से पहले एक बात चल रही थी कि बहादुरगढ़ से यदि राजेश जून खुल करके दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में आ जाए तो 15,000-20,000 वोटों को पलट सकता है, ये सच्ची बात थी? बिल्कुल सच्ची बात थी, और 10 से 15 दिन पहले राजेश जून जी बढ़िया खुलकर सामने आ गए थे, बढ़िया पूरा सपोर्ट था यार, लेकिन कुछ वोटों से फिर भी हमारे दीपेंद्र जी 5,000 वोटों से आ रहे थे, मार गए, लेकिन बढ़िया सपोर्ट था, बढ़िया सपोर्ट किया था। अच्छा एक चीज बताओ भाई साहब, राजेश दीपेंद्र ने ये चुनाव लड़ दिया, लगातार आपके हल्के में सक्रिय भी है, मतलब दीपेंद्र हुड्डा इस बार दाव खेलेंगे उन पर? बिल्कुल खेलना भी चाहिए अगर सीट चाहिए तो। अगर भाजपा को हराना है तो राजेश जून को टिकट देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, राजेश जून के अलावा कोई नहीं जीत सकता कांग्रेस की। कोई ना भाई साहब, वोट तो आप ही दोगे भाई साहब, बीजेपी की। आप भाई साहब बीजेपी की, कांग्रेस की। अच्छा कांग्रेस में आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी मजबूत है, किसको टिकट मिलेगी? राजेश जून को। अच्छा ऐसी क्या खास बात नजर आई राजेश जून में? भाई वो सब बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा राजेश जून पहले भी काम करे हैं। अच्छा राजेश जून को यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो विधायक को हरा देंगे? राजेश जून जीत जाएंगे। अच्छा टिकट के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? राजेश जून को टिकट मिलेगी? 90% जी जी। सर आपकी क्या राय है? हमने बात करने का प्रयास किया यहाँ आसोदा टोडरान के तमाम युवा साथियों से, भाई साहब राजेश जून को टिकट मिलेगी कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगी। इतने आश्वस्त क्यों, क्या कारण है? वो काम करता है हमारे गांव में, काम करता है। अच्छा राजेश जून को कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो क्या वो भाजपा के विधायक को हरा पाएंगे? बिल्कुल। मतलब आप विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हो? क्यों, ऐसे कोई काम नहीं कराया विधायक? हमारे गांव में आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, आया ही नहीं है। राजेश जून मिनट में आता है, एक बार फोन करो तभी आता है। अच्छा राजेश जून ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था 29,000 वोट भी मिले थे उसको पिछले चुनाव में, जो 2014 का चुनाव था, इस बार यदि कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देती है तो राजेश जून का क्या रहेगा? जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा जी। दोगे भाई? मैं दूंगा या मोदी पार्टी आएगी? राजेश जून कहीं भी जाता धर्म में, जैसे कोई स्कूल है वो धर्मशाला है, जहाँ भी जाता है सबको एक समान मानता है, हर एक आदमी को ना कि जात पात का कोई फर्क है। जैसे हॉस्पिटल खुद है उसका, कोई गरीब आदमी जाता उसकी बहुत बढ़िया मदद करे, कोई भी चला जाता है। इस तरह हमारे कितना स्कूल है रोड के ऊपर, बड़ाई रोड पे, वहाँ जो है पानी के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारी टिक्की से जो है पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ जोड़ पे कूलर रखवा दिए राजेश जून। जैसे रेलवे स्टेशन है वहाँ के सब आदमी जाते हैं, वहाँ भी कूलर लगवा दिया, आने जाने वाले भाई। अच्छा राजेश जून को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है और वो विधायक बन जाता है तो लगता है आपको वर्तमान विधायक से ज्यादा काम करा सकता है? ये तो जी पब्लिक आपको पता चल जाएगा जी, राजेश जून के जो विचार है किसी के भी नहीं। जैसे हमारे गांव में आसोदा गांव में गड़ी थी जिला पार्षद से बना था, मैं नकाला सोते की मैं इतना इतने खड्डे थे बिल्कुल गारिया भरी पड़ी थी पानी, इतनी लंबी गाड़ दीवार थी लंबी, राजेश जून ने अपने खाते से जिला पार्षद बनाए थे पूरे गाड़ बनवा दी, सफाई कर्मचारी भी लगा दिए थे गली की सफाई के लिए, गली की सफाई के लिए परमानेंट कर्मचारी। जैसे चौपाल हमारी उसमें वो का पानी पॉइंट वाइंट 50,000 रुपए दो बार दिए, 50,000 रुपए जिला पार्षद बनाए थे राजेश जून ने, पॉइंट वाइंट करवाया सारा काम करवाया बिल्कुल। मेरा लगता है मानता दादा बूढ़े का जो आजा कुश्ती होती है हर साल, हाँ जी वहाँ जो है आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, मेन गली थी वो, उसमें
कि जितना पानी जो है भरा रहता है उन्हीं की मेहरबानी से जो है आप जैसा कोई आए तो ये गाड़ी ना दे गाँव को कैसे यहाँ पर कैसा प्रधान है कैसे एम एल ए वो भी साफ करा के बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम कर बत्तीस हजार वोट ले रहा है मिलने के बाद मतलब हमारे गांव में जो है पोड़ियां बैठते हैं उनके ये विचार हैं कि एक बार राजेश जून को टिकट मौका दे मुंडा साहब। राम राम जी भाई साहब, वैसे क्या लगता है कौन सी पार्टी कौन सा नेता अच्छा लगता है? भाई चौटाला नेता है इस हरियाणा में और तो ये कुछ ना है सब निकले जी। चौटाला अभी दो भागों में बट गए भाई साहब, इंडियन नेशनल लोकदल अच्छी है जज्बा भाई माहिरा भाई का इस तरह लाग रहा है इकट्ठे करने तो इन इकट्ठे कर देगा इलेक्शन तो पहले जी और वो बात बन जाएगी जी जी जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? हम बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ मतलब वर्तमान विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं हो? नहीं। फिर भी बीजेपी की तरफ हो? बीजेपी की तरफ। अच्छा उसी को अगर भाजपा टिकट देती है तो आप क्या करोगे? दुष्यंत चौटाला। जी हाँ, और देखिए लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के अपने विचार का महत्व होता है। जी हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि हर व्यक्ति अपनी तरह से सोचता है, वो अपना वोट देने के लिए में है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम के बावजूद भी यहाँ एक ऐसी बैठक हमें नजर आ रही है जहाँ कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। जी हाँ, लोगों से बात करेंगे, लोगों की बातें जानेंगे, लोग क्या सोचते हैं चुनावों के बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आसोदा गाँव में क्या आवाज चल रही है, कौन सी पार्टी अच्छी मानते हो? भाई साहब राजेश जून बहादुरगढ़ से जी, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी। अच्छा टिकट मिलेगी राजेश जून को? टिकट मिलेगी। अच्छा क्या कारण है, क्यों टिकट मिलेगी? समाज सेवी बंदा है इसलिए। और भूपेंद्र दीपेंद्र के करीब है राजेश जून? बहुत ही ज्यादा। अच्छा क्या लगता है आपको, या राजेश जून को यदि टिकट मिल जाती है तो वो भाजपा का किला तोड़ पाएंगे? यस पक्का। पक्का 100%। इसका मतलब आप भाजपा के विधायक की कार्यशैली से खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं है। गाँव में एक बार भी आने की उसने वो नहीं की है। नरेश कौशिक है, उसने एक बार भी गाँव में या कहीं भी घूम कर आने की कोई भी वो नहीं की जी। इसलिए। और राजेश जून क्यों पसंद है? राजेश हर किसी भी बात पर गांव में पहुंचता है, कोई भी समस्या हो उसको पूरी करता है जी। और देखिए हाँ जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी से राजेश जून को टिकट मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या कारण है? अच्छा आदमी है वो, बढ़िया है, काम करवाता है। और विधायक कैसा काम कर रहा है नरेश कौशिक भाजपा का? वो तो ये वेराइटी आकर गया जी। तो आपको लगता है राजेश जून को टिकट मिलेगी तो जीत जाएंगे? आइए बगैर टिकट मिलेगी कितने काम करवा रहे, टिकट मिलने के बाद पढ़ने के बाद और भी करवाएगा। निर्दलीय चुनाव में 29,000 वोट आई थी इसकी। तो इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है तो जीत जाएंगे? जीत जाएगा। जीत जाएंगे। भद्रगढ़ में कांग्रेस ने काम करवाए हैं आज तक पूरे रोहतक जिले में। जे भी रोड राड जो भी काम हुए हैं कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं। राम राम साहब, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है जी? ऐसा जी बीजेपी ठीक काम कर रही है जी। वैसे क्या लगता है आपको, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस बार क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी मजबूत है? कांग्रेस पार्टी मजबूत लग रही है। और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन हो सकता है? राजेश जून। राजेश जून। अच्छा क्या खास बात है, राजेश जून को टिकट मिलेगी? मिलनी चाहिए जितना है। क्या कारण है उसको, क्यों टिकट मिलेगी? कारण तो नहीं पर मिल जाएगी तो जीत जाएगा। अच्छा अगर राजेश जून को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तो भाजपा का किला टूट जाएगा? टूटना चाहिए, टूटता जाऊंगा। आपको जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको देख करके आप क्या समझते हैं बहादुरगढ़ में क्या रहेगा? अच्छा जी, और अच्छा विकास होगा और सीट को निकाल लेंगे। अच्छा कांग्रेस पार्टी का टिकट राजेश जून को मिल जाए तो भाजपा का किला तोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस यहाँ से हार गई थी विधानसभा चुनाव में, मुद्दे अलग होंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार राजेश जून पर दाव खेल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल खेल सकती है।